वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स की ना क्वेरीज आ रही थी वीज़े के रिगार्डिंग, कि वीज़े का क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता। तो मैं आप सबको ना आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा क्या रहा, कि जब मैंने फ़ाइल दी तब क्या था, उसके बाद क्या हुआ, प्रोसीजर आगे कि नेक्स्ट क्या थी। तो मे बी किसी का थोड़ा अलग हो सकता है, तो थोड़ा बहुत ना अपना रिलेट करके देख लेना कि मतलब तुम्हारा भी ऐसे चल रहा है या फिर तुम्हारा होने वाला है। तो फिर मैं करता हूँ स्टार्ट अपनी। सबसे पहले मैंने अपनी जो फ़ाइल दी थी अपने एजेंट को दी थी। एजेंट को फ़ाइल देने के बाद क्या हुआ था कि उसने मुझसे ना अपनी मेरी सारी क्वालिफिकेशन की जो डिग्रियाँ थी, डिग्रियाँ उन्होंने ले ली मुझसे, कि मतलब जो मेरे ट्वेल्थ के थे और जो मेरी डिग्री थी अपनी बैचलर की, वो लेने के बाद उसने यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर दिया था कि भाई मतलब ये लड़का एडमिशन लेना चाहता है। तो उन्होंने अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको भेज दी। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था उसको। वैसे ना यूके के दो इंटरव्यू होते हैं, तो पहला इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू में क्या हुआ था कि उन्होंने मुझसे फेस टू फेस बात की थी। उसमें एक इंडियन था, काफ़ी में हो सकता है कि फर्स्ट इंटरव्यू में कोई अंग्रेज बात करे या कुछ भी, बट मेरे पास ना इंडियन था। तो उसने मुझसे क्या पूछा था, सबसे पहले मेरा नाम, पता, क्वालिफिकेशन, मतलब जो बेसिक डिटेल होती हैं वो सब पूछी थी। तो वो पूछने के बाद वो चला था मैक्सिमम मेरा 10 से 15 मिनट कुछ ऐसे चला था। तो वो पूछने के बाद फिर जो सेकेंड इंटरव्यू था वो कंडक्ट हो गया था। उसका रिजल्ट आया था मेरे पास दो दिन बाद मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि मतलब तुम्हारा जो इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू था वो क्लियर हो चुका है। और इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर उसने मुझसे फ़ीस भरवा दी। फीस पहले जो पहला इंटरव्यू था उससे पहले मेरी कोई फ़ीस नहीं थी, हाँ उससे पहले कोई फ़ीस नहीं ली थी, बस मैंने उसको वैसे 10,000 रुपये दिए थे फाइल देने के। उसके बाद उसने मुझसे फ़ीस ले ली। फ़ीस भरने के बाद पहले तो मैंने मतलब अपना सेकेंड इंटरव्यू, पहले फ़ीस दी थी मैंने कुछ 50 पाउंड मैंने पे करने के बाद फिर मेरा सेकेंड इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। उसी के टाइम उसने मुझसे सारी फ़ीस भरवा ली थी क्योंकि कैश अप्लाई करना था, ठीक है। तो मेरी ना सारी फ़ीस उसने पहले मतलब एक हफ्ता पहले 50 पाउंड भरवा लिए थे, 500 पाउंड भरवाए थे, सॉरी 500 पाउंड भरवाए थे, 50,000 समथिंग कुछ मेरी फ़ीस गई थी, मास्टर की थी मेरी। तो मेरा कोर्स अभी चल रहा है, वो चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट MSc में। तो बैचलर का मे भी अलग हो सकता है, उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो मेरी 50,000 फ़ीस गई थी। फिर सेकंड इंटरव्यू जब हफ्ते बाद फिर उसने मुझसे ना सारी फ़ीस भरवा ली थी, 8.5 लाख रुपये समथिंग कुछ गए थे मेरे, वो चले गए थे साथ के साथ। और फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में वो मेरा चला था मैक्सिमम 40 से 45 मिनट, और जो मेरे साथ बच्चे थे ना उनका 10-15 मिनट में भी ख़त्म हो गया था। तो उनका मूड पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बात कर रहे हैं कैसे नहीं। मेरे से 40-45 मिनट समथिंग कुछ बात की थी। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, मेरी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी, बैचलर की डिटेल्स थी, स्कूल की डिटेल्स, क्या मार्क्स थे, यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, कौन से प्रोजेक्ट में है, क्या उसकी वेटेज है, और उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, कितने कितने उनकी मार्किंग है। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछ ली थी। तो पूछने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अकेले रह लोगे यूके में, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली मतलब बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो पूछा था कि यूके में रह लोगे, तो मैंने कह दिया था हाँ रह लूँगा कोई बात नहीं। तो कहते खाना बनाना आता है, खुद एडजस्ट हो जाओगे ये वो। तो मतलब क्वेश्चन सिंपल ही थे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो पूछने के बाद फिर मेरा सेकंड भी क्लियर हो गया। सेकंड इंटरव्यू जब क्लियर हुआ, फ़ीस मेरी जा चुकी थी, कैश के लिए अप्लाई मैंने कर दिया था। इतना नहीं, कैश के लिए अप्लाई करना, तो उससे पहले एक चीज़ और हुई थी, मेडिकल। तो मेडिकल मैंने चंडीगढ़ से कराया था, यूके मांगता है टीबी का टेस्ट। तो मेरा चंडीगढ़ से टीबी का टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट करा के मैंने उनको दे दिया था। और एक एफिडेविट था, उसमें मैंने ना डिक्लेरेशन की थी कि भाई मेरे को मेरे पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर जो भी फंड्स वगैरह हैं वो सब मैनेज कर लेंगे। तो वो मैंने उनको कैश अप्लाई करते टाइम वो सब चीज़ें दे दी। वो कैश अप्लाई हो गया तो मेरा एक हफ्ते बाद कैश आया था, 10 दिन समथिंग कुछ आया था, 10 दिन के बाद कैश आ गया। तो जब कैश आ गया मेरे पास, इंटरव्यू मेरे क्लियर हो गए, तो फिर मेरे को जाना था अपने वीज़ा VFS ऑफिस दिल्ली में। तो मैं फिर दिल्ली गया था, दिल्ली मैं गया था 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को जाके मैं अपना बायोमेट्रिक दे के आया था। बायोमेट्रिक देने के बाद फिर मेरे पास 9 तारीख को मेल आ गई थी कि जो आपका वीज़ा है वो डिस्पैच हो चुका है। तो 12 को मेरे पास वीज़ा आया था, मतलब मैं 5 को बायोमेट्रिक दे के आया, 7 दिन बाद मेरे पास वीज़ा मेरे घर आ गया था। तो फिर
वो करने के बाद जब वीज़ा आ गया, वीज़ा आने के बाद फिर मेरे को करनी थी अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक। बट उससे पहले क्या था प्रोसीजर कि एकोमोडेशन का, एकोमोडेशन मेरा क्योंकि एंड में हुआ था बिल्कुल, मतलब दिसंबर लग चुकी थी, जनवरी में मेरी क्लासेस थी, अब जनवरी चल रहा है जैसे, तो एकोमोडेशन का यहाँ पे क्या था कि यूनिवर्सिटी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है वो हो चुकी थी फुल, तो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में बुक नहीं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड से लिंक में आया, उनसे बातचीत की, तो मैंने यहाँ पे उनके घर से रेंट, मतलब रूम रेंट पे ले लिया। तो एकोमोडेशन का जरूर देखना क्योंकि एकोमोडेशन के बिना यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। उस पर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि एकोमोडेशन के क्या कुछ रेंट है, कहाँ पे मिलेगी, यूनिवर्सिटी के पास मिलनी चाहिए और क्या नहीं। तो इसमें ना यूनिवर्सिटी वालों ने एक चीज़ और लगाई थी कंडीशन कि आपके जो एकोमोडेशन है वो 30 miles के अंडर होनी चाहिए। अब जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी लेस्टर थी, तो बर्मिंगम में रहते थे तो बर्मिंगम 30 miles से ज़्यादा पड़ जाता था। तो उन्होंने उनको बोला कि आप लेस्टर में आओ, लेस्टर में अपनी एकोमोडेशन दो और तब फिर हम आपका आगे काम करेंगे। तो फिर जैसे टिकट बुक कराई मैंने, एकोमोडेशन बुक कर दी थी, तो मैं 30 तारीख को यहाँ पे आ गया, 30 दिसंबर को मैं यहाँ पे आ गया, लैंड हो गया 30 दिसंबर, फिर लंदन रहा मैं अपने फ्रेंड के पास, फिर 1 तारीख को मैं यहाँ पे लेस्टर में आ गया, फिर यूनिवर्सिटी में आया। यूनिवर्सिटी में आने के लिए सबसे पहले काम क्या होता है, PRP स्टूडेंट कार्ड और NI और GPA अप्लाई करने होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब गया तो सबसे पहले उन्होंने मांगा मुझसे कि अपना ना एड्रेस ऑफ प्रूफ दो। तो एड्रेस ऑफ प्रूफ का क्या सिस्टम था कि मतलब जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं तो आपको उनके पास ना टेंडेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट चलते हैं, तो वो मेरे पास है नहीं था एग्रीमेंट। तो फिर उन्होंने अल्टरनेट ऑप्शन दिया था कि मतलब आप ना हमें अपना एड्रेस दो, हम ना, क्योंकि उन्होंने मोस्टली क्या करना होता, उन्होंने सिर्फ एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। तो मैंने उन्होंने बोला था कि आप ना हमें अपना एड्रेस सेंड कर दो, मेल कर दो, तो हम ना आपके एड्रेस पर एक लेटर भेजेंगे, वो लेटर आपने रिसीव करना है, सिग्नेचर करना है और हमें सबमिट करना है, जिससे हमें ये हो जाएगा कि जहाँ पे हमने एड्रेस पे लेटर भेजा था वो एड्रेस आपका ही है और आप ही लेटर लेके आए हो। तो ऐसे ही एड्रेस कंफर्मेशन करते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि हमने मतलब PRP मतलब सॉरी बायोमेट्रिक दे चुके हैं तो अभी तक वीज़ा नहीं आया, कब आएगा, 10 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, तो वीज़ा आ जाता है, कोई वो बड़ी बात नहीं होती क्योंकि मेरा आया था 7 दिन में, तो इतनी घबराने वाली दिक्कत नहीं है, उसके बाद आ जाता है। बाकी जो VFS की तरफ से ना मेल आती है डिस्पैच की, उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपका वीज़ा सक्सेसफुल हो चुका है या नहीं है, वो सिर्फ एक मेल पाते हैं कि आपका डिस्पैच हो चुका है। जब आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा तो उस पर आपको देखना होता है कि वो स्टैंप लगी हुई है, मतलब स्टिकर लगा हुआ है वीज़े का या नहीं, ऐसे पता नहीं चलता। और एड्रेस प्रूफ का मैंने आपको अल्टरनेट ऑप्शन बता दिया, तो घबराने की कोई बात नहीं, आप उनको जाओ सीधा गेटवे हाउस, हमारी बिल्डिंग थी उसमें जाके हम एड्रेस दे के आ गए थे। तो अभी हमें लेटर का ही वेट है, मेरे साथ काफ़ी बच्चे हैं बल्कि, तो हम सब ना अभी लेटर का ही वेट करें, जब लेटर आ जाएगा, लेटर आने के बाद हम उसको साइन करके यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे। यूनिवर्सिटी को सबमिट करने के बाद हमें PRP मिल जाएगी, PRP मिलने के बाद NI अप्लाई कर देंगे, GPA अप्लाई कर देंगे। और काफ़ी बच्चों का ना क्या पोस्ट ऑफिस से एड्रेस है, सॉरी पोस्ट ऑफिस से PRP कलेक्ट करनी है, तो पोस्ट ऑफिस लेटर में कहाँ पे है, सिटी सेंटर में हाई क्रॉस एक मॉल है उसके अंदर है, तो उसका शॉट भी मैंने वैसे डाल रखा है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं लोकेशन भी शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो आप वहाँ से जाके अपना PRP कलेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज कुछ भी अपडेट होगी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या वीज़े के रिगार्डिंग कुछ भी होगी ना, तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो अभी बस मेरी यही क्वेरी थी कि मतलब लड़कों को वीज़े के रिगार्डिंग थी कि वीज़ा नहीं आया हमारा है, फिर यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन बुक नहीं, तो अगर भाई किसी का कुछ भी होता तो एक बार ना कमेंट कर दिया करो, तो मैं उससे रिलेटेड ना यहाँ पे जो भी अपडेट चल रहा है उसके रिगार्डिंग वो वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।